भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना के साथ एक जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आज इसी के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मैं फिर से एक बार आप सभी का भावपूर्ण स्वागत करता हूँ। और अब मंच पर विराजित सभी महानुभावों से मैं दीप प्रज्वलित करने के लिए सादर अनुरोध करता हूँ कि दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य, जिसे आप सभी आज और अब स्वागत अभिवादन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं अनुरोध करता हूं जिला कलेक्टर डॉक्टर धवल कुमार पटेल से, आप सूती लू गुलाब और खादी का रुमाल और साथ में सूरत में जिन 40 स्थलों पे गांधी जी ने मुलाकात की थी, उन सभी स्थलों की एक संक्षिप्त विवरण पुस्तिका भी माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज जी चौहान सर को आप भेंट करें। उनका स्वागत अभिवादन करने के लिए डॉक्टर धवल कुमार पटेल जिला कलेक्टर सूरत से मैं अनुरोध करता हूं। साइड पर आ जाओ बेटा, साइड पर आ जाओ प्लीज। धन्यवाद। अनुरोध करता हूं सिटी प्रांत सूरत श्री आरसी पटेल से, आप स्वागत एवं सम्मान करें वन एवं आदिजाति कल्याण मंत्री श्री रमण लाल पाटकर जी का। अनुरोध करता हूं तहसीलदार अड़ाजन श्री पार्थ गोस्वामी आपसे कि आप स्वागत एवं सम्मान करें माननीय सांसद श्रीमती दर्शना बेन जरदोष का। अनुरोध करता हूं जिला रमत गमत अधिकारी श्री दिनेश कदम जी आपसे कि आप स्वागत एवं सम्मान करें माननीय डिप्टी मेयर श्री दिनेश भाई जोधाणी सूरत महानगर पालिका। अनुरोध करता हूं श्री मुकेश भाई देसाई, आप स्वागत एवं सम्मान करें माननीय जिला कलेक्टर श्री डॉक्टर धवल कुमार पटेल का। अनुरोध करता हूं श्री अशोक भाई पटेल आपसे कि स्वागत एवं सम्मान करें सूरत शहर पुलिस कमिश्नर श्री अजय कुमार तोमर साहब का। अनुरोध करता हूं श्री किशोर भाई पटेल आपसे स्वागत एवं सम्मान करें माननीय डीडीओ श्री हितेश कोया सर का। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा उन्हें जिन्हें सुनने के लिए आप सभी लालायित हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं माफ कीजिएगा स्वागत प्रवचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जिला कलेक्टर श्री डॉक्टर धवल कुमार पटेल सर से। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में छाबरा बाठा गांव में उपस्थित हमारे बीच माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री श्री मध्य प्रदेश शासन श्रीमती चौहान, माननीय दर्शना जरदोष जी एमपी सूरत, माननीय दीपक जोधाणी जी,
अजय तोमर सर, सीपी सूरत, डीडीओ श्री अभितेश कोया, सभी गणमान्य अतिथि और मंचासीन महानुभाव, छापरा बाठा और आजू बाजू के विस्तार से आए हुए सारे सज्जन सन्नारियां, और जो खास ये कार्यक्रम जिनके लिए आयोजित हुआ है वो सारे दांडी यात्रा के पदयात्रियों का, मैं डॉक्टर धवल पटेल, कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट सूरत, सूरत की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आपने अपना कीमती समय निकाल के यहां पे आए उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिवादन भी करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। और अब सादर आमंत्रित करना चाहूंगा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे उपस्थित जनमेदनी को अपने उद्बोधन से प्रेरित करें। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर छावर पाठा ग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंत्री आदरणीय रमणलाल पाटकर जी, माननीय सांसद बहन दर्शनाबेन जरदोश जी, डिप्टी मेयर दिनेश भाई जोधानी जी, मुकेश भाई देसाई, मंच पर उपस्थित अन्य सभी साथीगण, दांडी यात्रा में भाग ले रहे मेरे सभी प्रिय बहनों, भाइयों, उपस्थित मित्रों, आज का दिन मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। एक तो दांडी यात्रा में जो कभी महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 में, और दांडी में जाके 6 अप्रैल में जिसका समापन हुआ था, और वहां मुट्ठी भर नमक उठा के गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के आयोजन पर, बल्कि अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है दांडी यात्रा से। मुझे उस ऐतिहासिक यात्रा में भाग लेने का अवसर मिला है। आज मैं भड़ोच में था, भड़ोच से आके नर्मदा मैया अमरकंटक से निकल के गुजरात में समुद्र में मिलती है। अच्छा, ताप्ती मैया भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, मध्य प्रदेश के मुलतापी से निकल के सूरत होती हुई वो भी समुद्र में जा मिलती है मैया, और ताप्ती मैया मध्य प्रदेश और गुजरात को दिलों से जोड़ती है। और आज सवेरे मैंने दोनों माताओं के दर्शन किए, और आज सायंकाल आपके साथ महात्मा गांधी जी के चरणों में प्रणाम करने आया हूं। सच है, शायद 1000 साल के इतिहास में कोई गांधी जी जैसा व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ होगा। छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, हालांकि आजादी का अमृत महोत्सव हम जानते हैं, अंग्रेजों ने भी चांदी की तस्करी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की। एक तरफ गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन, दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की मालिका जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए।
एक तरफ महात्मा गांधी निकल पड़े थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत अहिंसा, सत्याग्रह के उनके अस्त्र जिनका उपयोग करके दक्षिण अफ्रीका में वो देश के लिए हीरो बन गए थे, और दूसरी तरफ शहीद आजम सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कितने नाम लूं मैं। कई ऐसे थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा था, और जब वो फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो मरते समय भी भगवान से प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म ले, इसी भारत भूमि पर जन्म ले, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक कि देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजवे का दिल में है, बक्ता ने दे बता देंगे तुझे आसपा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी निकले थे, नमक वफादारी का प्रतीक है, और वफादारी मतलब भक्ति, देशभक्ति का प्रतीक भी नमक। उस नमक पर कर लगा दिया, नमक हमारी आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक था, और महात्मा गांधी ने तय किया कि नमक बनाने पर जो प्रतिबंध है मैं तोड़ूंगा। और दांडी से निकले थे, नवसारी दांडी और निकले थे वो साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक। मेरे बहनों और भाइयों, देश को आजाद करने के लिए वो दांडी यात्रा थी, और नमक सत्याग्रह ने हिंदुस्तान के गांव गांव को देशभक्ति के भाव से भर दिया था। महात्मा गांधी के साथ बाद में गांव गांव में भारत के, हमारे देश के निकल पड़े थे लाखों लोग नमक सत्याग्रह करने, और अंत में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, अंग्रेजी साम्राज्य हिल गया था, गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाया। लेकिन आज मैं इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अवसर पर आपसे निवेदन करने आया हूं कि हमें देश की खातिर नमक का फर्ज अदा करना है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, मोदी जी ने, आत्मनिर्भर भारत। सचमुच में मैं अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा, ये यात्रा इस पर हम शहीदों को भी, उन बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर करके देश को आजाद किया, जगह जगह हमने इस यात्रा के प्रारंभ के दिन देशभक्त क्रांतिकारी आजादी के आंदोलन के नेताओं के चरणों में जाके कार्यक्रम करके वंदन किया था उनका। मुझे ने कहा ये वीर तो फिर ये पथ कौन अपनाएगा, वीरों की पूजा नहीं हुई तो वीरता ही बांझ हो जाएगी। श्री कृष्ण सरल जी ने कहा था मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। ये उनके कर्ज को चुकाने का भी अवसर है, लेकिन संकल्प लेने का अवसर है, हम देश के लिए जिएंगे, आत्मनिर्भर भारत। ये केवल एक शब्द नहीं है, एक मंत्र हमारे लिए। आज मुझे कहते हुए गर्व है, गुजरात में एक नहीं अनेकों महान सपूतों को जन्म दिया है,
इस धरती पर जन्मे महात्मा गांधी, इस धरती पर जन्मे सरदार पटेल। सरदार पटेल ना होते तो 550 देशी रियासतों का भारत में विलय ना होता और भारतीय स्वरूप ही ना रहता। और इस धरती पर पैदा हुए श्रीमान नरेंद्र मोदी, ये गर्व से कर जिन्होंने सारे देश को फिर एक बार एकता के सूत्र में बांधा है। उनके नेतृत्व में चाहे कोरोना से लड़ाई हो, चाहे वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का सवाल हो, और चाहे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प हो, जनता का ज्वार उनके पीछे खड़ा हो जाता है। और आज हम अगर संकल्प लेंगे तो यही, मैं जिस दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी आत्मनिर्भर भारत की, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, भोपाल के अस्पताल में था, हमने वही फैसला किया था आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और उसका रोड मैप अस्पताल में बना के तैयार किया था। और बाहर निकल के उस रोड मैप को लागू करने में हमने देर नहीं की। आत्मनिर्भर भारत बनेगा हमारे समर्पण से, हमारे त्याग से, हमारी तपस्या से, हमारी ईमानदारी से, हमारी कर्तव्य निष्ठा से। यह हमारे अंदर का सत्व है जिससे हमको आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए परिश्रम करना है। ये यात्रा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संदेश भी है, और मुझे इस यात्रा में भाग लेने का अवसर मिला, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। उन यात्रियों को जो लगातार साबरमती आश्रम से चले हैं और चल रहे हैं, एक पवित्र संकल्प के साथ उन सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मैं महात्मा गांधी के चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं उन क्रांतिकारियों के चरणों में भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया था। आज उनको स्मरण करके हम धन्य हैं, लेकिन केवल स्मरण करके धन्य नहीं होंगे, अपने कर्तव्य का पालन करके हम अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी आहुति डालेंगे। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प भी बन जाए नमक सत्याग्रह जैसे। एक बार फिर से गांव गांव जाग उठे, हर एक के मन में देशभक्ति की भावनाएं प्रज्वलित हो, और हर एक यही संकल्प करें कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मेरा जो काम है, जो मेरी तरफ है, मैं उसको मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अगर किसान है, खूब अन्न का उत्पादन करें, अगर डॉक्टर है, मरीजों का ईमानदारी से इलाज करें, अगर इंजीनियर है, पुल पुलिया सड़क बनाए, अगर कर्मचारी ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वाह करे, अगर विधायक मंत्री सांसद है तो कर्तव्यों की बलवेदी पर सब कुछ न्योछावर करके एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करे, अपने अपने कर्तव्यों का अगर हम पालन करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम सफल होंगे, क्योंकि नींव बहुत मजबूत है, और इस मजबूत नींव पर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण यह हमारा संकल्प है जिसको हम पूरा करके ही चैन की सांस लेंगे। एक बार सभी सत्याग्रहियों का अभिनंदन करते हुए और अपने आप को इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए धन्य मानते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद। आप थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज जी चौहान सर। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, तो आज जब सारे पदयात्री यहाँ पर उपस्थित हैं तो उनके साथ पदयात्रा करने का मनोभाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी रखा है, तो मैं अनुरोध करता हूँ सारे पदयात्री जिस प्रकार से आपको सूचना दी जाए उस प्रकार से आप सभी तैयार हो जाएं, और मंच में विराजित सभी महानुभावों से, गणमान्य व्यक्तियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी पदयात्रा में जुड़े। मैं अनुरोध करूँगा
विभाग के अनुरूप तैयार रखें। इसे पकड़ लोगे मेरे इसको। अनुरोध है कृपया करके मास्क अवश्य पहन कर रखें और सोशल डिस्टेंस का जरूर से पालन करें। अपना मित्र भी आगे चलो भाई, तब भी थोड़ा पास में हुआ बेटा।